हाय, तो कैसे आते हो? वीक के जस्ट ठीक होंगे और कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। वैसे मैं शाम को उठती हूँ, शाम को 3-4 बजे उठती हूँ ताकि मैं देर से सोती हूँ। रात को मैं जल्दी सो के जल्दी उठ गई, 2 बजे 2:30 बजे उठ गई। तो मैं आज इसलिए इतनी जल्दी उठी ताकि आज हम जा रहे लाहौर, और इतने दिनों से दिन का वेट करी थी, फाइनली दिन आ गया। लेकिन एक खुशखबरी नहीं है, हमको रात को जाना है, आप भी नहीं जा सकते। हर पैकिंग तो हो गई, सब कुछ हो गया, बस 10 बजे हमको फिर जाएंगे लाहौर। तो मैंने कहा आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगी, तो मुझे तो अभी तो मैं सीधा सीधा अभी अभी उठी हूँ। मैंने मुँह धोया ना, ब्रश करा ना, कुछ करा। चलो हम लोग जाके ब्रश करके आते हैं। तो अभी हम लोग जैसे फेस वॉश करते हैं, अभी बालों को बांधेंगे। इतनी खुशी मुझे, पहले हम लोग करेंगे ये स्क्रब, ताकि लाहौर जाकर स्किन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो भाई मैं यहाँ का जो ब्लॉग है इसे रोड़ी तक बनाऊंगी, ताकि उसके आगे कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जो मैं उसका आगे का ब्लॉग बनाऊँ। मैं तो रोड़ी तक का बनाऊंगी, ताकि रोड़ी के आगे कोई ऐसा स्टेशन नहीं आएगा जहाँ वो ब्लॉग बनाए। और फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू करूंगी, जाके हम लोग घूमेंगे ना वहाँ पर। नेक्स्ट व्लॉग में शुरू करूंगी, स्टेशन पर लाहौर पहुंच के। ओके, अभी मैं थक लेती हूँ। अभी तो हमारा कोई काम नहीं है, तेरा खाना बना रही है। मम्मा की तबीयत खराब है, मम्मा थोड़ी सो रही है। मम्मा का हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कशान को लेके मेरी पप्पो बाहर गई है दूध लेने। और बस यही मैं बातें करी। चलो मैं यहाँ पर आराम से भी लेट के थोड़ा आराम करती हूँ। अपने कम्बल में ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो है मेरे पापा आ चुके थे, अभी वापस चले गए। मम्मा कशान और अनावी को लेके सामान लेना है भाई मॉल से, क्या कहते हैं इसको, यहाँ जनरल स्टोर क्या कहते हैं, सुपरमार्केट। पापा गए हैं हमारे पास वाली में। मैंने कहा मुझे भी ले जाओ यार, मेरा व्लॉग हो जाएगा। देखा घर पे बैठा हो चुप करके, और बाइक पे जगह नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अभी कजन को कॉल कर ली थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। और दिक्कत कर दी, मैं अभी आपसे बात कर रही, लगता दोबारा अभी दोबारा करके आते। तो गाइस अभी 4:12 हो रहे, मेरा इतना मन कर रहा है ना अभी अभी निकल जाते स्टेशन के। अभी देखते दादी क्या कर रही है। खाने में समोसे खा लिया, अभी मैंने फोन चार्ज पे लगा दिया है। तो अभी मुझे थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, थोड़े नींद आ रही है। तो अभी 5 बज रहे हैं, मैं सो सकती हूँ आराम से। 8 बजे हमको निकलना है, 7 बजे आराम से जाऊंगी, 1 घंटा सो के। अभी मैं थोड़ी देर सोती हूँ, फिर निकल लेंगे। नींद आ रही है, मैं सो नहीं जाती। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ, अब वहाँ भी टाइम हो गया निकलने का। तो अब सारे बारी बारी करके कपड़े पहनेंगे, ये ऐसे ही पहन के जाऊँगी, लेकिन चेंज तो करना है ना, गंदे हो गए ये। तो अब मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने कपड़े पहन लिए हैं, मैंने सिंगल ही पहने थे, मैंने इतने सारे गर्म पजामा, इतने सारे स्वेटर पहने तो दिख रहा होगा। तो अभी कहते हैं आधे घंटे में मेरे चाचू आ जाएंगे, मेरे पापा के दोस्त, वो बीमार चल रहे हैं। छोड़िए, मैं इतने सारे कपड़े पहन के
और मैंने अपनी पैकिंग कर ली सारी, माइक रख लिया, एयरपोड्स रख लिए, मोबाइल तो है मेरे पास, और पावर बैंक रख लिया, चीज़ें रख ली जितनी भी खाने पीने की चूसने की, कैप रख ली, हैंड ग्लव्स रख लिए, और वॉशिंग चीज़ें, और फिर स्टेशन जाके आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, ताकि ना पापा ने कहा जल्दी जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी तैयार जा दी ना। और तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, और अभी आपको मेरे पीछे का खतपत के आवाज़ आ चुके हैं। मैं ट्रेन में एडिटिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं होटल में जाकर एडिटिंग नहीं कर सकती, ताकि मुझे वहाँ पर दूसरा व्लॉग बनाना है। और बस यहाँ पर निकल चुके हुए थे, ना ट्रैफिक थी ना, हम लोग 8 आवर्स का निकले थे 9:30 बजे। सामान तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो इतनी ट्रैफिक थी ना, हम लोग फंस गए। 10 बजे ट्रेन चल जाएगी, 9:25 हो रहे हैं, हमारे पास आधा घंटा है वहाँ पर जाने का। हम लोग जल्दी सामान उठवाए, ट्रेन में रखे, और 10 बजे पूरी ट्रेन चल पड़ेगी हमको, कम्प्लीट 9:45 बजे तक हमको पहुँचना होगा वहाँ पर। तो अब जल्दी से हम सामान उठाते हैं, जल्दी चलते। तो अब लोग हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। अब हम लोग ने सामान रख दिया है, बस ट्रेन चलने में 5-10 मिनट है, और बस ट्रेन चल पड़ेगी। हो गया तो मस्ती के दौरे, सॉरी सॉरी दौरे पड़े कशु। तो गाइस ट्रेन चल पड़ी है हमारी, अभी हम लोग ने खाना खोल लिया, सबको भूख लग रही थी, तो हम लोग खा रहे बैठा पुलाव, चपली कबाब और अचार हमने लिया था। हमारे पास कीमा भी था, लेकिन मैंने कीमा नहीं खाती, तो इसलिए मैंने नहीं लिया कीमा। तो गए ना जाने की ठंड बढ़ गई ना, मैं पता नहीं क्या ही कहूँ, फिर पापा बोल के हाँ भाई क्या हो गया तुम्हें, तो ठंड नहीं लग रही ना, अब लग रही ना ठंड। मैंने कहा पापा बहुत ज़्यादा लग रही ठंड। फिर उसके बाद मैं लेट गई थोड़ी देर, और बस यही कर रही थी मैं। फिर मैंने आपको एक टूर देती हूँ, तो अभी मैं आ चुकी हूँ वॉशरूम में, ठंड भी थोड़ी दूर हो चुकी है, फिर मैं आपको डांस गा रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ग्रीन लाइन का, तो वॉशरूम बहुत अच्छा है, लोकल ट्रेन जैसा नहीं होता है, देखिए शीशा लगा हुआ है, वैसे लोकल ट्रेन में नहीं होता। मैं कभी नहीं जाती लोकल ट्रेनों में, कहते वॉशरूम ग्रीन लाइन, वो मैंने कहा चली जाओ यहाँ का एकदम साफ होता है। तो मैं गई हूँ अभी टूर देने, मुझे कुछ करना नहीं था, और तो मैं आ चुकी हूँ आपको टूर देने वॉशरूम, ताकि मैं बोर हो रही थी, मैं कुछ करने को था नहीं, मैंने कहा आपको टूर दे देती हूँ। तो देख सकते हैं, और आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हो गया छोटा सा वॉश बेसन, इतना प्यारा सा छोटा सा वॉश बेसन है, और ये और क्या कहते हैं क्या नाम है ये देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लश करने का भी है, कितना बहुत अच्छा सिस्टम है। तो ये लेती किसी प्लेट है वो लेती हो जाती, तो वो फ्लश हो जाता है पूरा, बहुत अच्छा सिस्टम है, ऐसे किसी में होता नहीं है। एक डस्टबिन बनाई हुई है, और टॉयलेट पेपर से, और सोप भी है, और ये कप तौलिया ताकने के लिए भी है, और तो और मतलब लोकल ट्रेनों से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये पकड़ने के लिए भी है तो गिरे ना। चलिए मैं अपने बर्थ कह रहा था कि मैं बिना बताए मार खा लूँगी, अब मैं जाके अब सो जाती हूँ, तो अभी मैं सोती हूँ। तो गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह हो चुकी है, और सबसे अच्छी भाई ये लोग खाना खुद देते हैं, हम लोग बस रात का लेकर चले गए थे, ताकि हम लोग रात को 10 बजे पहुँचे, तो 10 बजे खाना नहीं मिलता, 10 बजे से पहले मिल जाता है। तो हमको सुबह का खाना मिला, सुबह के खाने में था ये अंडा पराठा, और अभी मैं खा के बताती हूँ कैसा है, नॉर्मल ही हो गया जैसे खाते हम लोग, वैसे अच्छी बात है ये सब, इनका किचन है, मैंने देखा ये लोग कैसे बनाते हैं, और यही बात है मतलब, तो यहाँ की स्पेशलिटी बहुत है। आप जब भी ट्रैवल करो या स्पेशली पिशावर और लाहौर, तो आप ग्रीन लाइन में करना, कोई एक दिन या दो दिन का सफ़र हो रहा है, ये बाकी के दिनों का आप ग्रीन लाइन में करना, ताकि बहुत
गाइस हम लोग ऐसे नाचते खेलते हो गई है शाम, सबको शाम का खाना मिल चुका है। तो ये शाम के खाने में आपको बताती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो ये मेला है छिशू, एक गुलाब जामुन, और ये मुर्गी का सालन, और दाल और रोटी। मैं आपको खा के बताती हूँ कैसा है। और ये हमारा टिकट भी इंक्लूड था, और देख सकते पूरा आप इसको देख लें अच्छी तरह, और मैं तो खा के दिखाती हूँ ताकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, सिंपल लाइट सबके लिए। तो गाइस अभी मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ ताकि अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी लाहौर स्टेशन जाने के बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।